सरसे कंप्यूटर एजुकेशन स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड के अंदर कि हाउ टू क्रिएट अ फिलेबल फील्ड। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते के साथ अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखते हैं तो इस अंडरलाइन के ऊपर जो है आप नाम जो है टाइप कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके, बस आपको टैब प्रेस करना है और यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है आप किसी भी अंडरलाइन के अंदर जो है आप लिख सकते हैं, कितना इजी तरीका से और खूबसूरत भी दिखता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो है एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं, एक एडमिशन फॉर्म बनाते हैं, तो आप जो है फिलेबल फील्ड की मदद से जो है एक खूबसूरत तरीका से एक फॉर्म कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि हम लोग जो है फिलेबल फील्ड की मदद से, मतलब कि अंडरलाइन की मदद से एक फॉर्म को 5 से 10 मिनट के अंदर एडमिशन फॉर्म को, इंक्वायरी फॉर्म को कैसे तैयार करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि फिलेबल फील्ड के बारे में कि फिलेबल फील्ड कैसे तैयार करते हैं, फिलेबल फील्ड कैसे क्रिएट किया जाता है दोस्तों। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं फिलेबल फील्ड तैयार करना, मतलब कि क्रिएट करना, बहुत ही इजी ट्रिक से समझाने वाला हूं। ओके, इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। ओके, यहीं पे मैं समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, है ना। तो इस तरीका से फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक रोज कॉलम लेना है, आप जितने भी रो कॉलम ले सकते हैं, जैसे कि आप एडमिशन फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म या एनी बस कुछ भी फॉर्म बना रहे हैं। तो एज अ एग्जाम्पल के लिए मैं जो है 4 रोज 4 कॉलम्स ले लेता हूं। ओके, 1 2 3 4, है ना। ओके, ले चुका हूं। ओके, और यहां पे मैंने टैप कर देता हूं आपको A5RST first name, है ना, और यहां से फिर यहां पर लिख देता हूं लास्ट नेम। ओके, बस आपको टैप प्रेस करना है और यहां पे मैं लिख देता हूं एड्रेस। ओके, और यहां पे लिख देता हूं मोबाइल, क्या लिख देता हूं, मोबाइल नंबर, इस तरीका से। ओके, अब क्या करना है कि आपको इतना तरीका से लिखने के बाद आपको जो ये इस तरीका से आपको यहां से सिलेक्ट करना है और सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए, ये इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे इस तरीका से जो है कम से कम इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए इतना। ओके, इसी तरह से यहां पे सिलेक्ट कीजिए, सॉरी क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे इस तरीके से पकड़ने के बाद ड्रैग, मतलब इतना कम से कम कर दीजिए। ओके, ये होगा, एडजस्ट हो चुका है ना। अब क्या करना है कि सारे टेबल्स को मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको जस्ट इस सिंपली तरीका से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको ओपन हो चुके हैं, जैसा कि देख रहे हैं, टेबल डिजाइन, एक लेआउट, टेबल डिजाइन, एक लेआउट। तो आपको क्या करना, टेबल डिजाइन पर क्लिक करना है। तो मैंने टेबल डिजाइन पर क्लिक कर दिया। टेबल डिजाइन पर क्लिक करने के बाद आपको बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। बॉर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएगा नो बॉर्डर, बस सिंपली तरीका से आपको नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ओके, क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ से बॉर्डर आपको डिलीट हो चुका है, मतलब कि हट चुका है। ओके, अब इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बस इस तरीका से पकड़ना है, मतलब कि ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपको टेबल डिजाइन पर जाना है, उसके बाद आपको बॉर्डर्स पे जाना है दोस्तों। बॉर्डर पे जाने के बाद एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा बॉर्डर एंड शेडिंग का, सबसे नीचे की पार्ट में, यहाँ जो देख रहे हैं आप, बॉर्डर एंड शेडिंग पे आपको क्लिक कर देना है। बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको जो है बॉर्डर एंड शेडिंग का जो है लेआउट, मतलब कि आपको पेज जो है खुल जाएगा। ओके, इस तरीका से जो है आपका पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको जो है विड्थ मिल जाएगा, आप जो है इस पेज का विड्थ कितना देना चाहते हैं, मतलब अंडरलाइन का। तो मैंने आपको 2x1x4 पीटी को सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू, तो आपको प्रीव्यू किस तरह से वहां पे दिखाना, तो मैंने आपको जो ऊपर नीचे जहां पे दिखाना, जैसे मुझे बीच में दिखाना है और नीचे दिखाना है ना, फर्स्ट नेम और एड्रेस के बाद पहले नीचे, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया दोनों। और उसके बाद अप्लाई टू, तो यहां पे आपको सेल होना चाहिए, जो यहां पे देख रहे हैं ना आप, यहां पे आपको सेल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से सेल होना चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाई टू सेल पर क्लिक रहने दीजिएगा, उस पर ओके पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए
ये अंडरलाइन आपको जिसको हम लोग फील्ड फिलएबल फील्ड बोलते हैं वो बन चुका है दोस्तों। इसी तरीके से जो है आपको बस इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको टेबल डिजाइन पर क्लिक कर देना है। ओके, टेबल डिजाइन पर क्लिक करने के बाद आपको बॉर्डर्स पे क्लिक करना है। बॉर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आपको बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक कर देना है। बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको विड्थ यहां से सिलेक्ट कर लेना है और यहां पे इस तरीके से जो प्रीव्यू है यहां पे इसको मिडिल में और लास्ट पर क्लिक कर देना है। दोनों को मतलब सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाई टू सेल्फ पर ये ऑलरेडी रहेगा अप्लाई, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे मैं ओके पर क्लिक किया तो यहां देखिए इस तरीका जो है आपको अंडरलाइन बन चुका है। बस यहां पे आप जो है कुछ भी नाम वगैरह टाइप कर सकते हैं, टैप के मदद से टैप प्रेस करते जाइए और इस तरीका से जो है आप यहां पे एड्रेस वगैरह टाइप करते जाइए, है ना यहां पर। और अगर आप चाहते हैं कि यहां पे जो है और मेरा जो है मतलब कि जो फिलएबल फील्ड बने और ऑटोमेटिक आए तो बस आपको टैप प्रेस करना है दोस्तों। देखिए जैसे मैंने टैप प्रेस किया तो यहां पर आ गया। जैसे यहां मैं यहां पर कर देता हूं, क्या लिख देता हूं, जैसे कि यहां पर लिख देता हूं रोल नंबर, क्या लिख देता हूं दोस्तों, रोल नंबर लिख देता हूं। ओके, यहां पे जो आपको टैप प्रेस करना है और यहां पे रोल नंबर जैसे 45 लिख दिया है ना। अब या फिर से टैप प्रेस करना है। अब यहां पे आपको मान लीजिए कि लिख देते हैं आपको क्या लिख दे, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, तो मैं लिख देता हूं डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ किया है तो बस यहां पे आप जो अपना डेट ऑफ बर्थ जो है कुछ भी टाइप कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है आप जो है टैप प्रेस कर करके जो है जितने भी फिलएबल फील्ड जो है आप तैयार कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताया आपको फिलएबल फील्ड के बारे में कितनी इजी तरीके से जो है हम लोग फिलएबल फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग एडमिशन फॉर्म। थैंक यू।